कई बार क्या होता है, विवाह की बात चलते चलते रुक जाती है, चाहे लड़का है लड़की, कुंडली में सब कुछ अच्छा है, दशा भी सब कुछ है और पता भी चल रहा है कि शादी होने वाली है, शादी का योग कई बार आके चला भी जाता है, ऐसा एक नहीं कई योग चले जाते हैं, सगाई हो करके कुछ बात में अड़चन आ जाती है या टूट जाती है, उसका कारण क्या है? तो कुंडली हमने चेक कर ली, तो जरा वास्तु भी चेक कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है वास्तु के कुछ दोष जो है वो शादी में अड़चन डालते हैं। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन से दोष है उनको कैसे दूर करें। होता क्या है कि वास्तु में ना जो है कभी कभी हम अपने आसपास जो चीजें हैं या फिर घर में हमने जो चीजों की प्लेसमेंट कर रखी है वो ऊर्जा को नेगेटिव या पॉजिटिव में बदलती है। तो अगर विवाह योग्य लड़के लड़कियों का कमरा अगर गलत दिशा में है तो उनके विवाह में देरी हो सकती है, जैसे कि उनका घर का कमरा साउथ में सो रहे हैं या साउथ वेस्ट में सो रही है लड़की, तो उसका घर से बाहर निकलने का योग ही नहीं बन पाता। लड़का सो रहा है तो फिर भी उसका हो सकता है, पर लड़की को तो नॉर्थ वेस्ट या वाइवे कोण में जब सुलाएंगे तभी शादी का योग बनता है, क्योंकि कई बार कैसा होता है कि लड़के को तो उसी घर में रहना है तो साउथ साउथ वेस्ट में, या फिर तब भी शादी नहीं होती, उसको नॉर्थ वेस्ट में आप सुला सकते हैं। जिस रूम में सोता है उसमें मैंडेरियन डक की यानी कि मैंडेरियन बत्तखों के जोड़े की मूर्ति लगाने से, जिसमें कि एक नर और एक मादा होती है, तो विवाह जो है जल्दी शीघ्र होता है या अच्छा प्रस्ताव जल्दी मिलने शुरू हो जाते हैं और जीवन साथी जो है प्यार करने वाला होता है, तो वो जो है अड़चन दूर हो जाती है। ऐसे छोटे छोटे और भी उपाय हैं, टिप्स हैं जिनको करते समय हमें विवाह नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए घर में जिस कमरे में वो सो रहे हैं कोई ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्लू कलर यानी राहु या शनि के कलर के पर्दे या फिर चदरे या ओढ़ने वाली चादर या तकिए इस तरह के तो नहीं है, वो भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। जब सोते हैं बच्चा तो उसका जो अक्स है पूरा अक्स अगर आईने में आता है तो भी शादी में देरी हो जाती है, और काफ़ी जो है कोशिश करने के बावजूद भी सही रिश्ता नहीं मिलता, रिश्ता पसंद आता है तो अच्छा मैच नहीं होता, मैच मेकिंग सही हो जाती है तो फैमिली नहीं मिलती, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आती ही रहती है, तो इसको जो है उससे कलर कॉम्बिनेशन से हम दूर कर सकते हैं। अगर घर में किसी कारण से वायव्य कोण में सोना संभव ना हो तो ईशान के कमरे में भी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उनका बेड रख करके कर सकते हैं। हल्का गुलाबी या फिर कोई भी आंखों को सुंदर रखने वाला जो है रंग जो है आप चादर बिछा सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें करने से अच्छा हो सकता है। और कुछ नहीं तो आप एक गुलाबी रंग का जो बल्ब है या रेड कलर का बल्ब जो है जो मैरिज को इंडिकेट करता है या शुभ सिंबल को करता है तो उसमें जो है बेनिफिट जो है आपको होता है। साउथ वेस्ट या साउथ में जो है अगर कहीं कूड़ा कबाड़ बहुत ज़्यादा पड़ा है, नेगेटिव चीज़ें हैं या फिर गड्ढा हो रहा है, तो अगर वहीं पे अगर लड़का सो रहा है साउथ साउथ वेस्ट में तो भी उसकी शादी की अड़चन आती है, रिश्ते जो है गड्ढे में चले जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए काफ़ी लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें जो है आपके प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं। सोते समय उनके बेड के सिरहाने के साइड में थोड़ा सा पानी रख दें, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर होगी और साथ में विवाह के अच्छे योग जो है उनके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। विवाह की चाहत रखने वालों को पलंग में ये भी ध्यान रखें कि पलंग के अंदर बर्तन नहीं होने चाहिए, कोई पुराना टूटा फूटा सामान नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खिलौने नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए, और पलंग के दोनों साइड में ऐसा सपोर्ट बनाए, दोनों साइड पिलर्स या फिर दोनों साइड कुछ ऐसे स्टूल्स रख दें जो भी जो स्थायित्व दे दें, और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो उससे भी जो है उसमें योग बनेगा। ये ध्यान रखें कोई भी बीम या पलंग के ऊपर कोई दुछत्ती या फिर कुछ भी ऊंचा भारी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है बेड के दोनों साइड में अलमारी होती है और ऊपर की साइड में ऐसे अलमारी होती है उसके ऊपर लोग सामान रख देते हैं, तो उससे भी जो है मानसिक तनाव होता है और विवाह के निर्णय में बाधा होती है, यानी सही निर्णय लेने में या सही चुनाव करने में चूक हो जाती है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पाता, बात होते होते भी रुक जाती है। बेडरूम के अंदर अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में या दक्षिण में छुरी कैंची या धारदार वस्तुएं रखी है तो भी विवाह के अड़चन आ सकती है, तो अगर ये चीज़ें रखी हैं तो तुरंत जो है आप हटा दें। हनुमान जी के मंदिर में लड़के को लगातार जो है अगर 11 मंगलवार जाता है और हनुमान जी को देसी घी की जलेबी का भोग लगाता है तो उसके जो है विवाह के योग ये प्रॉब्लम्स जो चल रही है उनसे दूर होता है। ध्यान रखें साउथ की उत्तर साउथ की दिशा में कोई भी पानी वाला कोई भी तस्वीर ना लगाएं, उत्तर दिशा में राधा कृष्ण शिव पार्वती या फिर किसी विवाहित जोड़े की तस्वीर लगाने से विवाह की संभावना बन जाती है, या फिर आसपास रिश्तेदारी में किसी का विवाह हो रहा है तो छोटा सा बटना लेकर के यानी उपटन जिसको हम शादी से पहले लगाते हैं तो वो जो है उनकी हथेलियों पर रख देना चाहिए।
या फिर युवक युवती जिनकी शादी में दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स रख सकते हैं, जिन क्रिस्टल्स जो क्रिस्टल्स जो है पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे और जो है वो शादी को करेंगे। पियोना के फूल यानी फूल आते हैं पियोनी के, उसको जो है बहते पानी में जो है प्रवाह कराने से शादी के योग जल्दी बनते हैं। नारंगी यानी संतरे, 4 संतरे लेकर विवाह योगी युवक युवती कोई भी है पूर्णमासी के दिन यानी पूरे चांद की चांदनी में जो है उनको बहते पानी में डालें तो भी जो है शादी के योग बन जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखने से हमारे कई बार क्या होता है कुंडली में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी शादी नहीं होती तो कई बार निराशा जो है आपको हर कर जाती है, तो वो नहीं होगी और शादी के अच्छे योग बनेंगे। तो आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज इसके लिए मिलते रहे। धन्यवाद, फिर मिलूंगी नए सब्जेक्ट के साथ।